वर्ड जस्टिस। इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ। आवाज दो, हम एक है। तनख्वाहों में कमी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तनख्वाहों में कमी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो, मानों के साथ इंसाफ करो, हमारी इमानत पूरी। जे के बैंक सिक्योरिटी गार्ड ए टी एम पे आम जे के बैंक पे सोन मुदा तो मकसद अम ख योर आम उजरत नवान एट अ टाइम कमी कर हर वज हर कुन जाए उजरत खसान वसान कह और नाकबिल कबूल और यह सयालस पे पे जुलम और अगर जे के बैंक अत पे गौर कर हको तेल हंगर स्ट्राइक पे ग और अगर तत् सान लाश त वन तम पे मानो तोतान कहीं योतान सो मदा तो मकसद ये पूर कर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतने लोगों का हजूम है, ये सिर्फ गांधरबल के ही नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम, श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा से भी कुछ बंदे यहां पे मौजूद है। ये सारे जेके बैंकों में काम एज अ सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, चाहे ये बैंकों के अंदर है या कि एटीएम पे, लेकिन काम कर रहे हैं जेके बैंकों के साथ। आज तक जो हमारी उजरत मिलती थी वो 7,500 नकद मिलती थी अनसिक्योर्ड को और 11,250 सिक्योर्ड गार्डों को मिलता था, लेकिन कल एक हफ्ते पहले एक कंपनी को, शायद उनका नाम भी कुछ है कि वो हमें फोन पे बता रहे थे, वो सारे एटीएम पे गए, ब्रांचेस पे कंसल्ट जो गार्ड्स थे उनके साथ भी बात उन्होंने की और उनका फोन नंबर, उनका बायोडाटा उन्होंने लिया। उसके बाद हमें भी फोन आए उनकी तरफ से कि एक काम कीजिए, आप हमारे ऑफिस पे आइए, और उन्होंने लोकेशन भी भेजी अपने ऑफिस की, आप आइए, अपने फॉर्म्स ले जाइए, ये फिलअप करके आप ले जाइए। लेकिन जो आपकी उजरत थी 7,500 और पीएफ जो कटता था वो अब नहीं कटेगा ऐसे, वो आपको आपको इतना मिलेगा 5,500 आपको अकाउंट में आएंगे और उसमें 900 रुपया जो है वो आपका पीएफ में चला जाएगा। जैसा कि हम 7,500 नकद लेते थे, 1620 रुपया, 1680 हमारी जो थी वो पीएफ फंड में चला जाता था। तो ये सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ, हमारी उजरत में इतनी कमी की गई कि आप जरा सोचिए, हर मजदूर अगर यहाँ पिछले साल मजदूरी करता था 500 उसकी रेट थी, आज वही मजदूर ले जाता है 700, उजरत में दिन ब दिन चढ़ा इजाफा होता है, न कि कटौती होती। इन्होंने हमारे उजरतों में कमी की और इतनी भी कमी एक इंसान जब सुनता है वो भी पागल हो जाता है। वी वांट द इंटरफेरेंस ऑफ एल जी जम्मू कश्मीर, जो इंतजामिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, उनकी इंटरफेरेंस हम चाहते हैं, बिलखसूस हम चाहते हैं जो हमारे जेके बैंक के चेयरमैन साहब है उनको हम गुजारिश करते हैं कि इस मामले में जरा आप गौरखोज कीजिए।